हाँ जी, वेलकम टू कैरियर क्वेस्ट। होपफुली तुसी सारे वधिया होवोगे ते अपनी तैयारी अच्छी तरीके नाल कर रहे होवोगे। लास्ट लेक्चर विच आपां ने की कीता सीगा, नंबर सिस्टम दा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उस दा ओ पार्ट 1 सीगा, अज आपां की करन जा रहे हां, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दा पार्ट 2। पार्ट 1 तुसी एक बार जरूर देख लेना, मैं बार-बार कहूंगा कि पार्ट 1 तुसी पहला देख लेना, उस तो बाद पार्ट 2 चेक करना, क्योंकि फिर ताही पार्ट 2 समझ आएगा, अदरवाइज पार्ट 2 देखने का कोई फायदा नहीं हैगा। क्लियर? इस दे बिहाफ ते काफी ट्रिकी क्वेश्चन, या फिर तुसी कह लो काफी अलग टाइप दे क्वेश्चन देखते बंदे ने जो समझ तो परे होंदे ने, ठीक है। या फिर जे जिवें तुसी मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा टफ होएगी कैलकुलेशन, बट जे थानू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी प्रॉपर्टी पता होएगी, ठीक है, उस तो बाद ए क्वेश्चन थोड़े ईजी हो जाएंगे। क्लियर? बेसिक रिविजन कर लेंगे आप। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होंगी है जिस दे विच डिफरेंस सेम हो गए, ठीक है। जिवें सपोज करो मैं कोई नंबर लेते 2, 5, 8, 11, so on, इन आदे विच नंबर की हैगा डिफरेंस किन्ना हैगा, 3, 3, 3 दा, ठीक है। गैप किन्ना हैगा, 3 दा हैगा, ठीक है। तो गैप अपना सेम हैगा, तो ए प्रोग्रेशन किस दे विच होएगी, इसनु आपा की कहांगे, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? नोटेशन चेक कर लेंगे ना, मैं फर्स्ट पार्ट विच दस्सा सीगा, मैं फिर दस दिना। ए नु आपा की कहंदे ने, फर्स्ट टर्म जिहड़ी पहली टर्म होगी उसनु आपा कहांगे ए, कॉमन डिफरेंस नु आपा की कहांगे डी, Tn slash L, Tn दा मतलब या फिर L दा मतलब की होंदा है, nth term या फिर last term, उस दा formula की होएगा, A plus N minus 1 into D, N की हैगा साड़ा number of terms, जो मैं मालो थानू 5वीं term पता करनी है, तो हो जाएगा N दी value तुसी 5 रखोगे, जो थानू 10वीं term पता करनी है, N दी value तुसी 10 रखोगे। Clear? ठीक है, उस तो बाद आ गया अपना Sn, Sn दा मतलब की हो गया, sum of N terms, जिवें थानू एक AP series देती, या फिर कोई एक ऐसी सीरीज देती जिसका डिफरेंस सेम हैगा, कहता कि इसका सम पता करो, पहली 10 टर्म का सम पता करो, तो आप की करांगे एस 10 पुट करांगे, पहली 10 टर्म का सम पता करना, एस 10 पुट करांगे, एन दी वैल्यू 10 आ जाएगी, ए ते डी दिता होएगा, ठीक है। अदरवाइज एस एन का एक होर फॉर्मूला हैगा, एन बाय 2 ए प्लस एल, जे थोनू लास्ट टर्म पता हैगी है किसी भी सीरीज की, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता ने, तो आप एस एन का फॉर्मूला यूज करांगे, सम आ जाएगा। क्लियर? हुण देखो Tn दा फॉर्मूला की हैगा, उरे a प्लस n माइनस 1 इनटू d। हुण जे मैं कहां Tn या फिर तुसी इवें कह लो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म दा फॉर्मूला की हैगा, a प्लस n माइनस 1 इनटू d। हुण जे मैं कहां थानू n दी वैल्यू कढ़नी हैगी है, n दी वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स, n की हैगा अपना नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n दी वैल्यू कढ़नी हैगी है, तां किवें कढ़ांगे, ठीक है। तो ध्यान ना सुनना, उरे a माइनस आ जाएगा, लास्ट टर्म विचो फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, d की होएगा थल्ले जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स दा फार्मूला, या फिर इवें कह लो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने का डायरेक्ट शॉर्टकट की बन गया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये चीज जे तुसी याद रखोगे तो छेती क्लियर हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं होएगी, आंसर छेती आएगा, ठीक है। बस सीरीज बनानी हैगी है, n दी वैल्यू की आएगी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये अपना टोटल n आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे भी पार्ट 1 विच मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका सीगा, ठीक है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन ते मूव कर देने कि इस दे क्वेश्चन किस तरीके नाल बनते ने, तो तुसी कीवें हैंडल करने है। चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 300 एंड 600 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। इन्होंने की कहा 300 तो लेके 600, और देखो एक वर्ड यूज हो रहा है बिटवीन, बिटवीन का मतलब विचकार, जे मैं थोनू कहां कि फ्रॉम 1 to 10 हाउ मैनी नंबर आर देयर, हाउ मैनी नंबर आर देयर, एक तो लेके 10 तक किन्ने नंबर ने, तो तुसी कहोगे सर एक तो लेके 10 तक ये कानू मजाक कर दियो, 10 नंबर होंगे, ठीक है। फिर जे मैं थोड़े तो पूछा कि बिटवीन, बिटवीन बी डब्ल्यू, ठीक है, 1 to 10 हाउ मैनी नंबर आर देयर, बिटवीन हाउ मैनी नंबर आर देयर, तो हूँ बच्चा बच्चा भी दस देगा, देखो एक तो मैंने उरे की लिखा, सब तो पहला लिखा सीगा फ्रॉम, फ्रॉम दे विच आपां की करदे इनिशियल वैल्यू ते फाइनल वैल्यू नू भी इनकलूड करदे ने, ठीक है। बिटवीन का मतलब की हो गया कि एक तो लेके 10 दे विचकार, सेंटर दे विच, एक तो लेके 10 दे विच विच केड़े केड़े नंबर होणगे, तो आपां बिटवीन दे विच आपां की करदे ने लास्ट लिमिट नू हटा देंदे ने, तो एक तो लेके 10 तक होंदे ने 10 नंबर, बट मैनू उहनां दे विचकार चाहीदे सीगे, तो पहला हटा दो लास्ट वाला हटा दो, की बच गया 8 नंबर, 8 नंबर रह गए, तो बिटवीन दे केस विच आपां की करदे ने
फर्स्ट लिमिट एंड लास्ट लिमिट, जड़ी फर्स्ट लिमिट हैगी है जिवें 300 ते लास्ट लिमिट हैगी है 600, उसनू की कर दो इग्नोर कर दो। ठीक है, इन्ना बेसिक कंसेप्ट पता होना बिटवीन, इन्नी इंग्लिश तो आती हैगी, जे इन्नी इंग्लिश नहीं आती फिर छड़ दो तैयारी, कोई फायदा नहीं होता, टाइम बर्बाद होएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन्ना पता होना चाहिए बिटवीन 300 तो लेके 600 का मतलब आप 300 ते 600 नू इग्नोर कर देंगे, उन्होंने विचकार जो भी नंबर आएंगे वो दसने ने। पूछा की हैगा 300 तो लेके 600 के विचकार किन्ने ऐसे नंबर होंगे जिहड़े 4 नाल डिवाइड ने, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। हुण देखो कोई नंबर जे 4 नाल डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब की होएगा, वो 4 दे टेबल ते आएगा, यस और नो? हाँ, जे 4 दा डिवाइड हो रहा है तो 4 दे टेबल ते आएगा ही आएगा, कॉमन सेंस है। ठीक है, इसका मतलब थोड़े तो यह भी पूछ सकता है, देखो डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 और दो वर्ड होंगे डिविजिबल बाय 4 और मल्टीपल ऑफ 4, दोनों का मतलब की हैगा सेम हैगा, डिविजिबल बाय 4 मल्टीपल ऑफ 4 दोनों का मतलब सेम होएगा, कोई चेंज नहीं हैगा, कोई नंबर 4 नाल डिवाइड हो रहा है या 4 नाल 4 का मल्टीपल हैगा, गल एक ही है, जो 4 नाल डिवाइड हो रहा है तो 4 नाल मल्टीप्लाई भी तो होया होना। ठीक है, तो कॉमन सेंस है डिविजिबल बाय 4 मल्टीपल ऑफ 4, इसका मतलब 4 के टेबल पर आना चाहिए हैगा, बस और कुछ नहीं। तो मैंने एक गल दसो सीरीज की बनेगी, सब तो पहला फॉर्म मेक अ सीरीज, अपने की बनानी है मेक अ सीरीज, एक सीरीज बनाओ तुसी, हुन सीरीज बनानी पड़ेगी। सीरीज है क्या, देखो उरे 300 हैगा उरे 600 हैगा। ठीक है, सब तो पहला तो तुसी ये चेक करो 300 तो लैके 300 300 तो लैके 600 दे विचकार सीरीज केड़ी बनेगी। ठीक है, तो बिटवीन लिखा हुआ था 300 तो लेना नहीं हैगा। ठीक है, तुसी ये चेक करो, देखो सब तो पहला नंबर ही केड़ा हैगा 300, तुसी ना साइड ते ना 300 नू, हुन मैनू की चाहिए डिविजिबल बाय 4, 4 दा मल्टीपल चाहिए हैगा। ठीक है, तो 300 नू तुसी 4 नाल मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, 75 ते चल जाएगा 300, 75 ते 300 जिहड़ा हैगा पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 300 जिहड़ा हैगा वो 4 नाल डिवाइड हुंदा हैगा, बट मैंने 300 नहीं लेना क्योंकि बिटवीन लिखा होया तो मैं स्टार्टिंग वाली लिमिट नहीं लूंगा। मैनू एक गल दसो 300 जे 4 नाल डिवाइड हुंदा हैगा तो अगला नंबर केड़ा हैगा जिहड़ा 4 नाल डिवाइड होएगा 300 तो बाद? तुसी कहोगे सर 304, क्योंकि जे 300 डिवाइड हो रहा 4 नाल तो अगला नंबर की होएगा, 4 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, 4 आ जाएगा 304 आ जाएगा, तो सीरीज की बन जाएगी थोड़ी 304। फिर अगला नंबर केड़ा होएगा 308, क्योंकि 4-4 का मल्टीपल 4 नाल डिवाइड होना चाहिए तो गैप भी आप कितना लेके चलेंगे 4-4 का। ठीक है, 4 का डिविजिबल या 4 का मल्टीपल चाहिए तो गैप भी आप 4-4 का लेके चलेंगे, तो दूजा नंबर हो जाएगा 308, फिर अगला नंबर हो जाएगा 312, सो ऑन। हुण लास्ट वाला नंबर केड़ा हैगा 600, हुण तुसी की करोगे साइड ते जाके ना 600 नू भी 4 नाल डिवाइड करके देखो, 600 नू जे तुसी 4 नाल डिवाइड करोगे 150 ते चला जाएगा पूरा पूरा, इसका मतलब 600 भी 4 नाल डिवाइड होंदा हैगा, लेकिन बिटवीन लिखा हैगा तो आप लास्ट वाली लिमिट नहीं लवेंगे। ठीक है, जे बिटवीन नहीं लिखा होंदा तो आप ले लेंगे, लेकिन बिटवीन लिखा तो लास्ट वाली लिमिट नहीं लेनी। 600 जे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हैगा तो 600 तो पहला केड़ा ऐसा नंबर होएगा जो 4 नाल डिवाइड होएगा, तो 600 दे विचों तुसी की करो 4 माइनस कर दो 596। ठीक है, 596 ऐसा नंबर होएगा जिहड़ा 600 तो पहला पहला होएगा और 4 नाल डिवाइड होएगा। ठीक है, तो ए बन गई अपनी सीरीज, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सीरीज, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सीरीज, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सीरीज, जो सीरीज सानू चाहिए सी वो मिल गई। ठीक है, हुण इस दे विच आपां ने की पता करना हैगा, नंबर ऑफ टर्म्स आपां ने यही दसना है किन्ने नंबर ने जिहड़े 4 नाल डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये जिहड़े किन्ने किन्ने, एक 304 तो लेके 596 तक किन्ने नंबर होंगे, गैप 4-4 का हैगा। तो फस्ट टर्म हैगी अपनी 304, लास्ट टर्म हैगी है 596, कॉमन डिफरेंस अपना 4 का चल रहा हैगा, पता की करना है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म पता करन दा हुनी हुनी फॉर्मूला लिखवा के हटे हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो 596 विच जे तुसी 304 माइनस करोगे ये आ जाएगा 292 बाय 4 प्लस 1, कटिंग कर देंगे आप इसकी, कटिंग कर दो 292 जाएगा 73 ते चल जाएगा, जो 292 नू तुसी 4 ते कट करोगे 73 ते जाएगा, 73 प्लस 1 74, इसका मतलब इस 300 तो लेके 600 दे विचकार किन्ने ऐसे नंबर होंगे जिहड़े 4 नाल डिवाइड होंगे 74, क्लीयर? ठीक है, बस तुसी करना कुछ नहीं है, तुसी बस पहला नंबर देख लो 304, किसी भी तरीके नाल पहला नंबर पता कर लो,
एक लास्ट वाला नंबर पता कर लो, उस तो बाद चार का मल्टीपल चाहिए था, गैप भी किन्ने का होएगा, डिफरेंस भी किन्ने का होएगा, चार का लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 4 + 1, इन्ना कर देना थोड़ा आंसर आ जाएगा। आई होप सो थानू एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होना, जे नहीं क्लियर होया एक बार फिर तो वापस जाके दोबारा चेक कर लो, समझ आ जाएगा। बाकी तुसी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपां नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलदे ने। सिमिलरली अगला क्वेश्चन की है, हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 50 and 500, 50 तो लेके 500 तक किन्ने ऐसे इंटीजर ने जिहड़े 7 नाल डिवाइड हुंदे ने, 50 to 500। देखो 50 तो लेके 500 तक केड़ा ऐसे किन्ने ऐसे नंबर होंगे जिहड़े 7 नाल डिवाइड होंगे। तो सब तो पहला साडा की काम है, मेक अ सीरीज, मेक अ सीरीज, मेक अ सीरीज, सीरीज बनाओ, ठीक है। तो तुसी एक काम करो, हुण जिहड़ा 50 है बिटवीन लिखा हुआ है, मतलब इन्हां दे विचकार नंबर चाहिए है। तुसी एक काम करो, 50 नूं ना 7 नाल डिवाइड करो, 7 ते जाएगा 49, रिमाइंडर कितना बच गया 1। देखो पिछले क्वेश्चन में अपने को कोई रिमाइंडर नहीं बचा सीगा, बट इस क्वेश्चन में रिमाइंडर बच गया है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। हुण मैनू 50 तो अगला नंबर चाहिए, 50 तो अगे केड़ा ऐसा नंबर होगा जो 7 नाल डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कितना आया 1। मैंने की करना है 50 तो अगे जाना है, अगे जाने लिए आप करा रिमाइंडर एड करा, हूँ 7 नाल डिवाइड होना चाहिए है, रिमाइंडर है 1। एक विच मैं ऐसा क्या जोड़ा जो 7 नाल डिवाइड हो जाए, एक दे विच मैं ऐसा केड़ा नंबर ऐड करा जो 7 नाल डिवाइड हो, तुसी कहोगे 6। एक दे विच मैं जे 6 जोड़ा 7 बन जाएगा, 7 नाल डिवाइड हुंदा हैगा, तो आपां की करांगे एक दे विच 6 जोड़ना है, तो आपां नंबर हैगा 50, 50 दे विच ही 6 जोड़ दो, 56 आ जाएगा। तो सीरीज का पहला नंबर की होएगा 56, 7 का मल्टीपल चाहिए है, तो 7 का गैप लेके चलेंगे, अगला हो जाएगा 63, फिर अगला होएगा 70, ठीक है, सो ऑन। लास्ट वाला नंबर केड़ा हैगा 500, तो आप की करांगे 500 नूं तुसी 7 नाल डिवाइड करके देख लो, 500 नूं जे मैं 7 नाल डिवाइड करांगा 7 ते जाएगा 49, 10, 1 ते जाएगा 7, रिमाइंडर किन्ना बच गया 3। हुण 71 ते चला गया, रिमाइंडर किन्ना बच गया 3, यानी रिमाइंडर 3 बच गया, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए सीगा, बट उरे रिमाइंडर की हो गया बच गया। तो हुण मैंने की करना है, देखो मैंने ना 500 तो पिछे पिछे रहना है, पहला 50 तो अगे जाना सीगा, हुण आपने की करना 500 तो पिछे पिछे रहना है। जे तुसी पिछे पिछे रहना है तो रिमाइंडर ही सबट्रैक्ट कर देना, जे तुसी अगे जाना है तो रिमाइंडर जो ऐड करांगे वो मेन नंबर ऐड हो जाएगा, जिवें उरे रिमाइंडर ऐड करना सीगा, क्योंकि मैंने 50 तो अगे जाना सीगा, तो एक विच 6 जोड़न ते 7 बन जाएगा, तो मैं की कीता 50 विच ही 6 जोड़ता, पहला नंबर आ गया 56। हुण मैंने 50 तो पिछे पिछे रहना है, तो मैं की करूँगा रिमाइंडर नूं ही सबट्रैक्ट कर दूंगा, रिमाइंडर कितना हैगा 3। तुसी एक काम करो, 500 विचों ना 3 माइनस कर दो, 497। तो लास्ट वाला नंबर केड़ा होएगा जेड़ा 7 से डिवाइड होएगा 500 तो पहला पहला, 500 तो पहला पहला ऐसा केड़ा नंबर होएगा जेड़ा 497, मतलब 7 नाल डिवाइड होगा, विच इज 497, ठीक है। जे पिछे रहना हैगा तो रिमाइंडर माइनस कर देंगे, जे अगे जाना हैगा तो रिमाइंडर भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, मेन नंबर भी आपने प्लस करना है, क्लियर। तो यह बन गई अपनी सीरीज, हुण नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म की होएगी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, कॉमन डिफरेंस कितना 7, क्योंकि किसका डिविजिबल चाहिए सानू 7 का, तो हुण एन की वैल्यू आ जाएगी 497 विचों तुसी 56 माइनस कर दो, 441 डिवाइड बाय 7 प्लस 1, एन की वैल्यू आ जाएगी, एक सैकेंड, ठीक है, 6 ते जाएगा 63 प्लस 1 64, हाँ अपना आंसर आ गया ऑप्शन ए, क्लियर। आई होप सो थानू ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होना, ठीक है। इसके काफ़ी शॉर्टकट बनते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं हैगा, क्योंकि जो मान लो मैं पूछ लिया कि इस सीरीज का सम पता करो, तो थानू हले भी फिर भी फर्स्ट नंबर तो लास्ट नंबर चाहिए ही होएगा, कई बार इसका कुछ जेडे टीचर ने शॉर्टकट आ जाते, शॉर्टकट कुछ नहीं है, बेसिक है, बेसिक नाल फॉलो करो, गलती कोई नहीं होगी, ठीक है। शॉर्टकट के पीछे जाओगे फिर खामखा गलत करके आ जाओगे, क्योंकि देखो एक स्टेप या माइनर जी भी मिस्टेक हुई ना थोड़ा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो होंगे ना वो क्लोज होंगे 62, 63, 64, 65, ठीक है। एक भी छोटी गलती हुई तो ऑप्शन आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक रूल फॉलो करो, कदे आंसर गलत नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉरवर्ड कर देने। फिर
थर्ड, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय सेवन। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हूँ इसने ये नहीं किया इन्ने तो लेके इन्ने तक, बस इसने इन ये कहता कि किन्ने थ्री डिजिट नंबर होंगे जो सत्त नाल डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हूँ थ्री डिजिट नंबर इन्हें दस है किन्ने थ्री डिजिट नंबर जो सत्त नाल डिवाइड होंगे, तो तुम ना अपनी लिमिट चेक कर लो। लिमिट थोड़ी लिमिट की हैगी है। देखो सब तो छोटा थ्री डिजिट वाला नंबर केड़ा होंगे, 100। इस तो छोटा कोई थ्री डिजिट नंबर दस दो आईफोन मिलेगा। नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो सब तो छोटा हैगा थ्री डिजिट का नंबर 100। इस तो छोटा कोई थ्री डिजिट का नंबर बनेगा नहीं। सब तो वड्डा पॉजिटिव थ्री डिजिट का नंबर केड़ा होंगे, 999। ठीक है, इस तो वड्डा तो कोई थ्री डिजिट का नंबर होएगा नहीं। इसका मतलब 100 तो लेके 999 तक अब मैं किन्ने ऐसे नंबर होंगे जेडे सत्त नाल डिवाइड होंगे, मैंने वो पता करना है। ठीक है, तो देखो 100 सत्त नाल डिवाइड नहीं होंगे। हम अपना बेसिक काम की होएगा, मेक अ सीरीज, मेक अ सीरीज, सीरीज बनानी है कि है। ठीक है, तो उसी पहला नंबर देखो 100 हैगा, 100 तो सत्त नाल डिवाइड होएगा नहीं, करके देख लो। एक ते जाएगा 7, 30, 4 ते जाएगा 28। देखो रिमाइंडर कितना बच गया, 2। रिमाइंडर बच गया इस केस दे विच 2, रिमाइंडर बच गया 2। हुन मैंने की करना हैगा, 100 तो अगे जाना हैगा या पीछे जाना, अगे जाना है ना, क्योंकि मैंने अगे जाने की लोड़ हैगी है। ठीक है, 100 तो पीछे तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि 100 तो पीछे तो 2 डिजिट का नंबर होएगा, तो 100 तो मैं अगे जाऊंगा। रिमाइंडर कितना हैगा, 2। अगे जाने वास्ते आप रिमाइंडर विच ऐड करांगे, पीछे जाने वास्ते आप रिमाइंडर ही सबट्रैक्ट करांगे। तो रिमाइंडर कितना आया, 2। 2 दे विच ऐसा क्या ऐड करा कि वो सत्त नाल डिवाइड हो जाए, तो तुसी कहोगे सर 5, 2 दे विच 5 जोड़ दो वो सत्त नाल डिवाइड हो जाएगा। तो पहला नंबर की होएगा 100 जमा 5 105। 2 दे विच जोड़ना सीगा, मैं 2 दे विच ना जोड़ के पूरा ऊपर वाला ओरिजिनल नंबर उस दे विच ही जोड़ता, 105 आ गया। यानी 100 तो बाद अगला केड़ा नंबर होएगा जेड़ा सत्त नाल डिवाइड होएगा, 105। यानी 105 पहला ऐसा तीन डिजिट का नंबर हैगा जेड़ा सत्त नाल डिवाइड होएगा। ठीक है, अगला नंबर की हो जाएगा हूँ 112 हो जाएगा, क्योंकि सत्त नाल डिवाइड होना चाहिए सीगा, गैप भी सत सत का ही चलेगा। हूँ तुम लास्ट वाला नंबर चेक कर लो कि लास्ट वाला नंबर केड़ा है। देखो लास्ट वाला नंबर है 999। 999 तुम चेक करके देख लो क्या ये सत्त नाल डिवाइड होता है। एक ते जाएगा 7, 2 9, 4 ते जाएगा 28, 1 9, 2 ते जाएगा 14। रिमाइंडर कितना बच गया, 5। रिमाइंडर बच गया अपने को 5 बच गया। ठीक है, हुन मैंने 999 तो पीछे पीछे रहना हैगा, तो मैं की करूंगा 5 ही माइनस कर दूंगा। जे अगे जाना हैगा तो प्लस करांगे, पीछे रहना हैगा तो माइनस कर लेंगे। तो लास्ट वाला नंबर की आ जाएगा, तो उसी 999 विचो ही 5 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 994 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लास्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 994। हुन आपने इस नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। सीरीज बन गई हैगी अपनी, ये अपनी रिक्वायर्ड सीरीज हैगी है। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने का फॉर्मूला, एन इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 994 विचो 100 माइनस कर दो 894, 500 माइनस कर दो 889 बटा 7 प्लस 1। 889 नू डिवाइड करो 12 7 84। ठीक है, 49 प्लस 1, 127 प्लस 1 128 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो ये हैगा अपना बेसिक मेथड। अगे जाना हैगा रिमाइंडर विच ऐड करेंगे, पीछे रहना हैगा रिमाइंडर नू ही सबट्रैक्ट कर देंगे। मेन नंबर विचो ऐड करना हैगा वो भी मेन नंबर विच ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करना हैगा आप मेन नंबर विच ही सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, तो सीरीज बन जाएगी, उस तो बाद फॉर्मूला लग जाएगा, एन इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आई होप सो थानू अगेन क्लियर हो गया होना, हुन तक कोई गुंजाइश नहीं हैगी डाउट की। स्क्रीनशॉट ले लो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं फिर। हाँ, हूँ देखो उरे एक और चीज कहती कि द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200, यानी 100 तो लेके 200 के विचकार किन्ने ऐसे नंबर होंगे या इंटीजर होंगे विच आर डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 16। हूँ उरे एक नंबर नहीं कह रहा, मतलब ना तो 9 नाल डिवाइड होना चाहिए ना 6 नाल, दोनों नाल डिवाइड होना चाहिए है। मतलब उरे एक कंडीशन लगाती कि एक ऐसा नंबर किन्ने ऐसे नंबर होंगे 100 या 200 के विचकार जेड़े 9 नाल भी ते 6 नाल भी। उरे देखो 9 एंड 6 आया हैगा। ठीक है, 9 एंड 6 9 नाल भी डिवाइड हो रहा ते 6 नाल भी डिवाइड हो रहा, तो आप की करांगे, मैनू एक गल दसो कि केड़ा ऐसा नंबर हैगा जेड़ा 9 नाल भी डिवाइड होंदा हैगा ते 6 नाल भी डिवाइड होंदा हैगा। तो आप की करांगे, आप लवांगे इस चीज वास्ते एलसीएम, एलसीएम ऑफ 9 एंड 6। ठीक है, एलसीएम लेने का बेसिक मेथड मैं दस दिंदा।
वैसे बच्चे बच्चे को पता यार 9 ते 6 नाल डिवाइड होने वाला छोटा नंबर केड़ा 18, लेकिन फिर भी मैं दस दिना 9 ते 6 का एलसीएम लेना, 2 ते कट जाएगा 9, 3, 3 ते कट जाएगा 3, 1, 3 ते कट जाएगा 1 के कम 1, एलसीएम की बन जाएगा थोड़ा 2 गुना 3 गुना 3 18 आ जाएगा। इसका मतलब 18 एक ऐसा नंबर हैगा जेड़ा 9 नाल भी डिवाइड होएगा 6 नाल भी डिवाइड होएगा। अपनी लिमिट की हैगी है ध्यान नाल समझना, लिमिट हैगी है मेरी 100 तो लेके 200, ठीक है। तो अपन ने की करना हैगा अपना अगेन फर्स्ट स्टेप मेक अ सीरीज। हुन तुसी सीरीज बनाओगे तो पहला नंबर की हैगा 100, 100 जेड़ा हैगा 18 नाल डिवाइड नहीं होंदा, 100 जेड़ा हैगा 18 नाल डिवाइड नहीं होएगा, 18 पंजा 90, रिमाइंडर किन्ना रह गया 10। हुन मैंने की करना 100 तो अगे जाना हैगा, अगे जाने वास्ते आपां की करांगे रिमाइंडर विच प्लस करांगे, रिमाइंडर किन्ना आया 10, 10 दे विच मैं ऐसा क्या जोड़ा जी वो 18 नाल डिवाइड हो जाए, ठीक है। 10 दे विच 8 जोड़न ते वो 18 बन जाएगा, मतलब 18 नाल डिवाइड हो जाएगा। तो आपा की करांगे 10 दे विच नहीं जोड़ांगे, 100 दे विच ही 8 जोड़ दो, किन्ना बन जाएगा 108। तो पहला नंबर केड़ा होएगा जेड़ा 100 तो बाद पहला केड़ा नंबर होएगा जेड़ा 18 नाल डिवाइड होएगा 108। अगला नंबर की हो जाएगा, हुण तुसी 18 दा गैप लेंदे जाओ, ठीक है, 18 दा गैप ले लो, अगला नंबर हो जाएगा 126 हो जाएगा, क्लियर। अगला नंबर अगेन तुसी 18 का गैप लेंदे जाना, थोड़ा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हुन लास्ट लिमिट की हैगी है 200, 200 तो पहला पहला केड़ा ऐसा नंबर हैगा, क्योंकि 200 18 नाल डिवाइड नहीं होंगे, 200 तो पहला पहला केड़ा नंबर है जेड़ा 18 नाल डिवाइड होएगा। तो तुसी एक काम करो 200 नू 18 से डिवाइड करके देख लो, 18 एकम 18, 2 रिमाइंडर, 18 एकम 18 कितना बच गया रिमाइंडर, अगेन 2 बच गया, रिमाइंडर बच गया 2। हुन मैनू की करना हैगा 200 तो पहला पहला रहना हैगा, मैंने अगे नहीं जाना, पहला पहला रहना है, पिछे रहने वास्ते आपां की करदे रिमाइंडर नू ही सबट्रैक्ट कर देंदे ने मेन नंबर विचों। तो अपना 200 विचों ही तुसी की करो 2 सबट्रैक्ट कर दो, की बच जाएगा 198। इसका मतलब 198 लास्ट लिमिट होएगी अपनी जड़ी 18 नाल डिवाइड होएगी, 18 नाल डिवाइड होने का मतलब नंबर 9 नाल ते 6 नाल दोनों नाल डिवाइड हो रहा है। इस तो बाद अपने की पता करना हैगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म की हो जाएगा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 198 विचों 108 माइनस करो तो आ जाएगा 90, 90 बटा 18 प्लस 1, बाकी तो तुसी समझदारी हो, 5 ते कट जाएगा, 5 प्लस 1 6, यानी टोटल 6 ऐसे नंबर होंगे 100 तो लेके 200 के विचकार जिहड़े 18 नाल डिवाइड होंगे। हुण तो आई होप सो क्लीयर हो ही गया होना, हुण कोई डाउट नहीं बचा होना, क्रिस्टल क्लीयर करता कंसैप्ट मैं ये वाला, क्योंकि इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट हैगा, कॉमन कंसैप्ट भी कह लो इसनों, जे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता हैगा तो वधिया रहेगा, थोड़े मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि थोड़ा ये चीज़ हूँ पता लग गई हैगी है, ठीक है। चलते नैक्सट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ मैनी नंबर बिटवीन 400 एंड 800 विच आर डिविजल बाय 4, 5 एंड 6। हूँ देखो उरे ना 3 नंबर देते कि 400 तो लेके 800 के विचकार किन्ने ऐसे नंबर होंगे जो, किन्ने ऐसे नंबर होंगे जो 4, 5 ते 6 तिना नाल डिवाइड होंगे। हुण मैनू एक नंबर नाल नहीं चाहिए ना, 2 नंबर नाल चाहिए, मैनू 3 नंबर नाल चाहिए, यानी 4, 5, 6 नाल डिवाइड होने वाले किन्ने ऐसे नंबर होंगे 400 तो लेके 800 के विचकार। तो अगेन आप करांगे तिना का चाहिए तो आप लवेंगे एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6। ऐसा केड़ा नंबर हैगा जेड़ा 4 नाल भी 5 नाल भी 6 नाल भी डिवाइड होंदा हैगा, तो उसका आप लवेंगे एलसीएम, एलसीएम तुसी इस तरीके नाल ले सकते हो 4, 5, 6, 2 ते चल जाएगा 2, 5, 3, 2 ते जाएगा 1, 5, 3, 5 ते जाएगा 1, 1, 3, 3 ते जाएगा, तो एलसीएम की आ जाएगा, तुसी इन सारे नु मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके थोड़ा 60 बन जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 60। इसका मतलब जे कोई नंबर 4 नाल 5 नाल ते 6 नाल डिवाइड होता हो किस नाल डिवाइड होना चाहिए, 60 नाल डिवाइड होना चाहिए है, या 60 का मल्टीपल होना चाहिए है, ठीक है। तो अपनी लिमिट की हैगी, हुण तुसी अपनी लिमिट देख लो, लिमिट हैगी अपनी 400 तो लेके 800 तक, ठीक है, 400 तो लेके 800 तक, यानी 400 जेड़ा हैगा, हुण 400 तो पूरा पूरा 60 नाल डिवाइड नहीं होंगे, एक बार डिवाइड करके देख लो, 400 पूरा पूरा 60 नाल डिवाइड नहीं होएगा, ये 6 ते चल जाएगा 360, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 40। हुण मैंने की करना हैगा 400 तो अगे अगे रहना हैगा, अगे रहने वास्ते आपां की करदे ने ऐड,
ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਾਂ, 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20 ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 20 ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 20 ਮੇਨ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, 420 ਬੋਹੀਮੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ 4, 5, 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਹੀਮੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 60 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 480, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 60 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 800 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 460 ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 60, 20 ਉਰੇ 200, 3 ਤੇ ਜਾਏਗਾ 180, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 20, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 20। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੇ 800 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ 800 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 20 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 780। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 800 ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, 780। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਫਸਟ ਟਰਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਲੱਸ 1। ਤਾਂ 780 ਵਿੱਚੋਂ 420 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 063 ਬਟਾ 60 ਪਲੱਸ 1। ਹੁਣ ਜੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਰੇ 6 ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, 6 ਜਮਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 7। ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4, 5, 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, 7। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, 9 ਜਾਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, 9 ਜਾਂ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ 9 ਜਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਸਮ। ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਟਵੀਨ 100 ਟੂ 200, 100 ਐਂਡ 200 ਵਿਚ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3। ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ, 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੋ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਅ ਸੀਰੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਮੇਕ ਅ ਸੀਰੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਖੋ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 100 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ 99 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 1। ਹੁਣ ਮੈਨੇ 100 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਜੋੜ ਦਿਓ, 102 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, 102। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 105, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 108। 3-3 ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ 200, ਦੇਖੋ 200 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 6 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ 18, 20, 6 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਗੇਨ 18, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ 200 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 200 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 198, ਯਾਨੀ 198 ਲਾਸਟ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 200 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 102 ਪਲੱਸ 105 ਪਲੱਸ 108 ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 198। ਤਾਂ ਸਮ ਦੇ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਐਨ ਬਾਈ 2 2a ਪਲੱਸ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਡੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਬਾਈ 2 ਏ ਪਲੱਸ ਐਲ, ਐਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਟਰਮ ਜੋ ਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਜੋ ਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਫਸਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ठीक है। बट उस दे लिए एक होर चीज पता होनी चाहिए थोनू, नंबर ऑफ टर्म्स एन पता होना चाहिए यार। ये भी तो पता होगा किन्ने नंबर ने, यही नहीं पता रहेगा कि 10 नंबर ने, 20 नंबर ने, 25 नंबर ने, किन्ने नंबर ने, तो की पता करेंगे कद्दू नहीं ना। ठीक है, तो सब तो पहला एन चक लो, एन की है नंबर ऑफ टर्म्स की में पता करनी है, तो एन की वैल्यू की आएगी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस वन। 198 विचो 102 माइनस कर दो, 96 आ जाएगा, यही आएगा, हाँ 96 ही आएगा, डिवाइड बाय 3 प्लस 1 बत्ती ते कट जाएगा, 32 जमा 1, तो एन दी वैल्यू की आ गई 33। एन दी वैल्यू आ गई अपने कोले 33, एन दी वैल्यू 33 आ गई। सम दा फॉर्मूला हैगा एस एन, हुन मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा एन बाय टू ए प्लस एल, एन बाय टू 33 बाय टू, ए की हैगा अपना फर्स्ट टर्म विच इज 102, एल की हैगा लास्ट टर्म विच इज 198, तो उरे आ जाएगा 33 बाय टू 198 विच दो जोड़ दो 200, उरे बन जाएगा 300। ठीक है, कटिंग करके थोड़ा आंसर आ जाएगा, उरे बन जाएगा 150, तो थोड़ा अल्टीमेट आंसर आएगा 33 इंटू 150, 15 3 45, 5 45 ते 4 49 50 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके विच इज ऑप्शन बी। तो 4950 सम होएगा उन्हें नंबरों का 100 के विच 200 के विचकार जिन्हें जो जड़े 3 नाल डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरीके नाल साढ़े तो नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है, इस तरह की सीरीज बनती हैगी। तो नंबर सिस्टम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक कह लो जो एग्जामिनर आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो ये बहुत ही रेयर टॉपिक है, हर कोई नहीं करवाता, यूट्यूब के भी घट अवेलेबल है। ठीक है, तो फायदा हो गया थोड़ा, जे थानू सैशन वधिया लग्या होवे तो एक बार कमेंट सैक्शन से हाँ तारीफ कर देना कि हाँ सर सैशन वधिया लग्या है, क्योंकि मेहनत लगती है पीपीटी बनाने वास्ते ते ये समझाने वास्ते। ठीक है, बाकी आप मिलते हैं नैक्सट पार्ट के, थैंक यू सो मच, टेक केयर।